संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। यहां तापमान 48 डिग्री के पार चला गया है। बीते 24 घंटे में प्रयागराज का अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नौतपा के दौर के बीच बुधवार को हुई छिटपुट बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि 30 मई से लेकर 2 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुरुवार के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही चेतावनी भी जारी की है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू जारी रहने की संभावना है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 30 सालों में ये दूसरा मौका है जब प्रयागराज में तापमान ने 48 डिग्री का आंकड़ा पार किया है। जबरदस्त गर्मी से आम जनजीवन बेहाल हो गया है, कूलर और पंखे फेल हो गए हैं। बुधवार को आसमान से अंगारे बरसे और अधिकतम तापमान के 48.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ गर्मी के पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। बुधवार का दिन 149 वर्षों में सबसे गर्म रहा। इससे पहले सर्वकालिक उच्चतम तापमान 30 मई 2019 के नाम था, जब संगम नगरी का पारा 48.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। प्रयागराज में सूरज की तपिश ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। दिन चढ़ते ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। यहां तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होकर इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लोग जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो भी पूरे एहतियात के साथ। अस्पतालों की ओपीडी में पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जबरदस्त गर्मी ने लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई की रात से कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं 1 जून को मेरठ सहित दिल्ली NCR और वेस्ट UP के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।